Audio Jungle. Now students, today I am going to start class 7 maths chapter 8 ratio and proportion CC test paper 8. अब इसमें स्टूडेंट देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, कंपेयर 4:5. अब स्टूडेंट देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, 4:5 इसको कंपेयर करना है एंड 7:9 इसमें कौन बड़ा है स्टूडेंट्स. ठीक है, देखिए इसको हम ये लिख सकते 4:5 को 4/5 एंड 7/9. अब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके देख लीजिए तो 4 × 9 और 7 × 5. ठीक है, तो ये 36 आ गया और ये आ गया 35. तो कौन बड़ा है, 36 इज ग्रेटर देन 35. सो 4:5 इज ग्रेटर देन 7:9. ये होगा स्टूडेंट. अब सेकेंड क्वेश्चन में देखिए क्या है कि डिवाइड ₹1100 अमंग ए बी सी. तो अब इसमें देखिए स्टूडेंट्स, ए बी और सी इनका रेशियो क्या है, 2:3:5. अब अगर इसमें हम ये मान लें कि लेट देयर रेशियो बी एक्स, अगर इनके रेशियो को हम क्या मान लें स्टूडेंट्स, एक्स मान लें, लेट देयर रेशियो बी एक्स, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a को जो पार्ट मिलेगा वो ₹2x मिलेगा, b को मिलेगा ₹3x और c को मिलेगा ₹5x. ठीक है, तो इन तीनों को मिलने वाली जो अमाउंट है वो कितनी है, 1100 है स्टूडेंट्स. तो इसलिए हम क्या करेंगे, 2x प्लस 3x प्लस 5x इज इक्वल टू 1100 हो जाएगा. तो 5 × 3 = 8 = 10, तो ये हो गया 10x इज इक्वल टू 1100. तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, 110 यानी 1100/10, तो 110 आ गया. ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा कि जो पार्ट ऑफ a यानी a को जितना मिला वो कितना मिलेगा, रुपीज 2 × चूंकि 2x है तो 2 × 110, तो इसको मिला ₹220. ठीक है, फिर पार्ट ऑफ b कितना था, 3x था, यानी ये हो जाएगा कि ₹3 × 110, तो ये हो गया ₹330, इतने रुपीज इसको मिलेगा. फिर इसके बाद जो पार्ट ऑफ सी होगा स्टूडेंट्स वो कितना हो जाएगा, 5x. ठीक है, तो ये आ जाएगा ₹5 × 110, तो 11 × 5 = 55, तो ₹550 मिलेगा. यहाँ पर रुपीज और लिख देंगे, ये सब रुपीज हो जाएगा स्टूडेंट्स. तो यही इसका आंसर हो गया, 220, 330 और 550. इन सबका सम करोगे तो 1100 आना चाहिए, तो आंसर चेक हो जाएगा. थर्ड में क्या है स्टूडेंट्स, ये बताना है हमें, सो दैट द नंबर 25, 36, 5, 6 आर नॉट इन प्रोपोर्शन. तो अब अगर स्टूडेंट्स देखिए ये प्रोपोर्शन में होते हैं, अगर ए रेशियो बी, ठीक है, प्रोपोर्शन सी रेशियो डी, तो ये ऐसा कब होता है स्टूडेंट्स, जब एक्सट्रीम वैल्यू यानी अगर ए इंटू डी इक्वल टू बी इंटू सी हो जाए तो हम ये कहते हैं कि ये प्रोपोर्शन में होंगे. तो अब यहाँ पर चूंकि ये कह रहा है कि नॉट इन प्रोपोर्शन, तो ए इंटू डी डज नॉट इज इक्वल टू बी इंटू सी आएगा. ठीक है, तो देखिए 25, 36 और इस तरीके से हम लिख देंगे 5 × 6. तो अब 25 × 6 यानी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज, इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज. ठीक है, और ये प्रोडक्ट ऑफ मिडिल वैल्यूज हो जाती हैं. ठीक है, तो 36 × 5, तो अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 150 आ जाएगा. ठीक है, और ये प्रोडक्ट ऑफ मिडिल वैल्यूज, ठीक है, तो ये हो जाएगी 5 × 6 = 30 और 5 × 3 = 15, 180. ठीक है,
तो ये 150 जो है वो डज नॉट इज इक्वल टू 180 के, सो दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन. क्या होगा स्टूडेंट्स, ये प्रोपोर्शन में नहीं होंगे. इन प्रोपोर्शन तो यही इसमें हमें फाइंड करना था. ठीक है, अब ये कह रहा है एक्स 18 108 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, फाइंड दी वैल्यू ऑफ एक्स. तो देखिए स्टूडेंट्स, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में ये होता है कि ए रेशियो बी और अगर बी रेशियो सी के हो, ठीक है, तो ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होते हैं. ठीक है, तो ये हो जाएगा कि एक्स रेशियो 18 और प्रोपोर्शन 18:108. ठीक है, फिर इनका इनका मल्टीप्लाई जो है इसके इसके मल्टीप्लाई के इक्वल होता है. तो ये हो जाएगा एक्स इंटू 108 इक्वल टू 18:18, यानी एक्सट्रीम वैल्यूज और ये जो पास में वैल्यू है इनका मल्टीप्लाई इक्वल होता है. तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए 18:18 अपॉन 108. 18 से 18 सिक्स जा होता है 108, और सिक्स से इसको कैंसिल कर दीजिए तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई. ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 3 स्टूडेंट्स. अब इसके बाद 5 में क्या दिए, 2 नंबर आर इन द रेशियो 5:7 इफ द सम ऑफ दीज नंबर इज 84, फाइंड द नंबर्स. तो 5 वाले में हम क्या मान लेंगे स्टूडेंट्स, 2 नंबर्स. ठीक है, तो लेट देयर रेशियो बी एक्स, हमने मान लिया. तो एक नंबर ए जो है, पहला नंबर जो है वो 5x हो जाएगा और दूसरा नंबर क्या होगा स्टूडेंट्स, 7x हो जाएगा. इफ द सम ऑफ दीज नंबर, अब इन नंबर का जो सम है स्टूडेंट्स वो कितना है, 84 है. ठीक है, इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए, ए की वैल्यू 5x है और बी की वैल्यू 7x है, ये आ गया 12x इज इक्वल टू 84. तो एक्स की वैल्यू निकाल दीजिए तो 84 अपॉन 12 आ गया, 12 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 12 7 जाए 84 होती, तो एक्स की वैल्यू 12 आ गई. तो ए इज इक्वल टू कितना आ गया, वो एक्स की वैल्यू 7 आ गई, 7 × 5, ए की वैल्यू 35 आ गई और बी जो है वो 7x है. ठीक है, तो 7 × 7 तो ये 49 आ गए. तो यही स्टूडेंट्स ये नंबर का आंसर आ गया, 35 और 49, इनको हम सम करेंगे तो 84 आएगा. तो 9 5 14 की 4 4 3 7 8, तो आंसर हमारा जो है बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स. अब देखिए 6 में क्या है, द एजेस ऑफ ए एंड बी. अब देखिए ए और बी की जो एज का रेशियो है, ठीक है, वो 4:3 है. अब कह रहा है 8 years ago their ages were in the ratio 10:7, find their present age. ठीक है, तो अब देखिए अगर इनके रेशियो को हम ए माने तो ए की जो एज है वो हो जाएगी 4x और बी की जो एज है वो हो जाएगी 3x. ठीक है, तो इनकी रेशियो ये 4x और 3x है. अब ये कह रहा है कि 8 years ago, अब देखिए 8 years ago क्या होगा स्टूडेंट्स, 8 years ago का मतलब है 8 साल पहले. तो हमारी जितनी एज है प्रेजेंट में, ठीक है, उसमें से क्या करेंगे हम स्टूडेंट्स, 8 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो अब 8 years ago जो ए की एज है वो है 4x - 8 years. इधर चाहें आप तो ईयर्स और लिख सकते, इतने ईयर्स और इतने ईयर्स. ठीक है, तो ये हो गई, इतने इयर्स हो गए स्टूडेंट्स. ठीक है, फिर 8 years एगो बी की एज कितनी हो जाएगी, इसकी थी 3x, तो 3x - 8 इतने इयर्स हो गए स्टूडेंट्स, इतने इयर्स. ठीक है, अब इसके बाद वो कह रहा कि इनका जो रेशियो है यानी 4x - 8 अपॉन 3x - 8 इज इक्वल टू, ये इनकी परसेंटेज होगी स्टूडेंट, जो यहाँ पे शुरू में मानी है ये परसेंटेज है. तो 4x - 8 अपॉन 10 अपॉन 7, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके सॉल्व कर दी, तो 7 4 जा ये हो गया 28x - 7 8 जा 56, 10 3 जा 30,
30x, ठीक है, और ये 80 हो गया स्टूडेंट्स। तो 28x माइनस 30x इज इक्वल टू माइनस 80 प्लस 56, ठीक है। अब इसमें से इसको सबट्रैक्ट कर दीजिए तो माइनस 2x इज इक्वल टू तो 56, तो ये हो गया माइनस के 14, ठीक है। 50 और 10 60, 70 नहीं 24 हो गए स्टूडेंट्स, कितने हो गए 24 हो गया। ये आ जाएगा यहाँ पर 24, ठीक है। तो जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 24/2, माइनस माइनस प्लस कर दिया हमने इसको, ठीक है। एक्स की वैल्यू 12 आ गई। अब जब एक्स की वैल्यू 12 आ गई तो प्रेजेंट एज ऑफ ए, जो ए की प्रेजेंट एज है वो कितनी है स्टूडेंट, 4x है। तो ये हो गई 4 × 12, तो ये आ गई 48 ईयर्स, ठीक है। इसकी एज 48 ईयर्स आ गई। और प्रेजेंट एज ऑफ बी, ये लाइन खींच दी, इसका मतलब यही है बी, तो बी की है 3x, ठीक है। तो ये 3 × 12 तो कितनी हो गई स्टूडेंट्स, ये आ गई 36 ईयर्स, ये आ गई। तो इस तरीके से ये 6 का आपके आंसर हो गया स्टूडेंट्स। अब देखिए 7 क्वेश्चन क्या है, इसमें कह रहा कार मूव्स 54 किलोमीटर इन एन आवर, ठीक है। कवर्स 54 किलोमीटर इन एन आवर, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 40 मिनट, ठीक है। तो अब इसमें हम लिखेंगे कि आकार कवर्स 54 किलोमीटर इन 1 आवर, ठीक है, और 60 मिनट, क्योंकि 1 आवर में कितने मिनट होते, तो 60 मिनट में हो 60 मिनट होते हैं। तो अब इसको हम इस तरीके से करेंगे, देखिए कि इन 60 मिनट, कार कवर्स 54 किलोमीटर, ठीक है। तो 1 मिनट में कितना कवर करेगी, 1 मिनट में कितना कवर करेगी, 54/60, ठीक है, 54/60। तो कितने मिनट में पूछ रहा है स्टूडेंट, 40 मिनट में। तो 40 मिनट में कितना कवर करेगी, 54/60 × 40 किलोमीटर, ठीक है। तो 0 से 0 हमने कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब देखिए 0 से 0 हमने कैंसिल कर दिया, अब 6 से इसको कैंसिल कर दिए, 6×9 = 54, ठीक है। तो बचा कितना हमारे पास, 9×9=36, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, 36 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी स्टूडेंट। तो ये 7 क्वेश्चन हो गया। 8 में क्या है, देखिए फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन टू 8 और 12, ठीक है। अब ये स्टूडेंट्स हम मान लेंगे कि लेट थर्ड प्रोपोर्शन बी एक्स, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें ये फॉर्मूला लगाते हैं कि ए रेशियो बी सच दैट बी रेशियो सी, तो ये दोनों सेम रहते हैं। अब यहाँ पे हमने सी को क्या माना है, ठीक है, इसको एक्स माना, हमने सी की जगह पे एक्स माना है। तो देखिए ये हमारा हो गया 8:12, ठीक है। फिर यहाँ पर 12 फिर रिपीट होगा, और जो हमें फाइंड करना था थर्ड रेशियो ये है, इसको हमने एक्स मान लिया। अब एक्सट्रीम वैल्यू जो है वो इन वैल्यू के इक्वल होती है, ठीक है। तो 8×x = 12×12, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, 12×12/8, ठीक है। 4 से काट दीजिए, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, 2 से इसको काट दीजिए, 2 × 6 = 12, 6 × 3 = 18, x की वैल्यू कितनी आ गई, 18 आ गई, ठीक है। तो 8 और 12 का जो थर्ड प्रोपोर्शन है वो स्टूडेंट्स कितना है, 18 आ गया, ठीक है।
18 आ गया। कितना आ गया? 18 आ गया स्टूडेंट्स। अच्छा, अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 9 देखिए हम लोग कैसे करेंगे। ए 40 मैन कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज, इन हाउ मैनी डेज विल 75 मैन फिनिश द सेम वर्क। अब 9 में क्या देखिए कि वो कह रहा कि 40 मैन एक काम को 60 डेज में करते हैं, ठीक है, तो 75 दिन में, ठीक है, उसी काम को 75 डेज में, ठीक है, कितने, नहीं 75 मैन उस काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे, ठीक है, तो हमें इसमें फाइंड करना है हाउ मैनी डेज, ठीक है, डेज फाइंड करना है, तो हम इस तरीके से लिखे देखिए लिखेंगे इसको सॉल्व करेंगे कि 40 मैन कैन फिनिश, ठीक है, वर्क कितने दिन में, 60 डेज में। तो जब 40 मैन किसी काम को 16 डेज में करते हैं तो एक आदमी स्टूडेंट्स कितने में, कम दिन में करेगा कि ज्यादा दिन में करेगा, ठीक है, तो एक आदमी ज्यादा दिन में करेगा, तो 60 × 40 डेज में एक आदमी करेगा इसको, इसमें कॉमन सेंस लगाना है, ठीक है, तो फिर वो कह रहा है कि 75 मैन, तो ज्यादा आदमी कम दिन में करेंगे तो इसलिए इसको डिवाइड कर देंगे, तो 60 × 40 ठीक है, कितने डेज आएंगे, 15 से कैंसिल कर दीजिए, 15 × 75 और 15 × 60, 5 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 5 × 8 = 40, ठीक है, तो कितने दिन लगेंगे स्टूडेंट्स, 32 डेज लगेंगे, ठीक है, 32 डेज में जो है ये कंप्लीट हो पाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही सफिशियंट है, थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, थैंक यू।